और इस वक्त ईश्वर जी ने हमें कॉल किया है, वो भी एक समस्या से ग्रसित हैं। उनकी समस्या का निदान क्या हो सकता है, आइए जानते हैं हकीम जी से। लेकिन उससे पहले समस्या क्या है ये जान लेते हैं। जी ईश्वर जी, सवाल कीजिए अपना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरे ना अभी शरीर से ना दाग बन गए, चिट्टी होती ना चिट्टी दाने। आपके शरीर में क्या हो गया है? और चिट्टे चिट्टे दाग जो हो गया, सफेद दाग हो गए इनके शरीर में। हाँ, जी हाँ, कब से है ये? और दवाई, हाँ जी, कब से है? 2 साल हो गया। और उम्र कितनी है आपकी? 50 साल उम्र है, सफेद दाग हो गए हैं। हाँ देखिए, अभी एक फ़ोन आया था, अब फिर मैं दोबारा वो नुस्खा बताना चाहूँगा। ये सफ़ेद दाग चले जाते लेकिन मुश्किल बहुत है, इलाज करने वाला भी परेशान हो जाता है और इलाज लेने वाला भी परेशान हो जाता है। देखिए, बापची एक दवा का नाम है, बापची लीजिए और 100 ग्राम ले लीजिए, अलसी लीजिए ये भी 100 ग्राम ले लीजिए, और गौन मोरिंगा ये भी 100 ग्राम लीजिए, आंवला ये भी 100 ग्राम ले लीजिए। इनको सबको पाउडर बनाएं। गौन मोरिंगा सफ़ेद लेना आप, और लाल वाला मत लेना, गौन मोरिंगा सफ़ेद। इनको पाउडर बनाएं और 1 ग्राम रोज़ाना खा लिया करें, गर्म पानी पिया करें दिन में 4-5 बार। तो देखिए, इसका रिज़ल्ट आता है 2 महीने के बाद। अगर आपके इसका फ़ायदा नज़र आने लगे तो आपको 1-2 साल भी इलाज लेना पड़ सकता है। आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। इस वक्त महक जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अमृतसर से। महक जी, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, मैं ना पूछ रही हूँ कि मेरे ना मदर इन लॉ को थायराइड की प्रॉब्लम है। जी, तो थायराइड के रिलेटेड मैंने पूछना था कि कोई भी हकीम साहब नुस्खा बता देते हैं। बिल्कुल, हकीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, अपना सवाल पूछिए, सुन पा रहे हैं वो आप? ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। थायराइड की प्रॉब्लम है आपकी सास को, और देखिए एक नुस्खा क्या है, ये तोहफा है थायराइड वालों के लिए। मैंने जिसको भी बताया उसको फ़ायदा हुआ, ये मेरा तजर्बा है। और आप बहुत अच्छी बहू हैं जो अपनी सास के बारे में सवाल कर रही हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो देखिए, धनिया 300 ग्राम आपके किचन के आइटम है ज़्यादातर, धनिया 300 ग्राम, आंवला भी मिलता है सूखा हुआ वो 100 ग्राम, मेथी भी किचन का आइटम है ये 100 ग्राम। फिर से बोलता हूँ, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम। इन सबको, अच्छा गौन मोरिंगा नकली मिल सकता है, इसलिए गौन मोरिंगा सफ़ेद लेना है, सफ़ेद वाला यानी वाइट वाला। इन सबको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह छोटा चाय का चम्मच भर के, 1 चम्मच शाम अपनी सासू माँ को खिलाएं। आप देखेंगे कि अब अपनी पुरानी रिपोर्ट रखना अपने पास जो उनकी हो, और नई रिपोर्ट जो अगले महीने कराएं वो देखना। आप खुद देखेंगे कि थायराइड कम होता ही जा रहा है, और आपके डॉक्टर उनकी थायराइड की गोली कम करते जा रहे हैं, छोड़ना नहीं वो गोली डॉक्टर की जब तक वो ना कह दें, और 6-7 महीने में वो गोली छूट जानी चाहिए, और 1-2 महीने में ये भी छूटना मुमकिन है, आपकी सास का ठीक होना मुमकिन है। और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हमें कॉल किया है पाल सिंह जी ने। पाल जी पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल ये है, मेरी पत्नी है, 55 साल उम्र है जी, जी बाईं तरफ कान के ऊपर थोड़ा दर्द होता है उसमें, और फिर जो है नसों का जो है दबाव से बनता है, जैसे गले में जो है नसों में दबाव से दर्द सा होता है जी, जी ये प्रॉब्लम है। कब से है ये समस्या? ये अभी जो है 5-7 दिन से है जी। 5-7 दिन से? हाँ जी बस जी। और देखिए, अगर उनको नज़ला हुआ हो और किसी डॉक्टर ने उन्हें नज़ला खुश करने की दवाएं दी हो, तो कफ बाहर निकालने की दवाएं दें उन्हें, और जोशांदे आप ले सकते हैं, जोशांदे आते हैं काढ़े, उन्हें उबाल कर पीते हैं, सब कंपनियां बनाती हैं और हम तो नहीं बनाते,
और रोजाना एक जो शानदार उन्हें पिलाए तो उनको फायदा होना मुमकिन है। गौर कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। हेलो 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 नमस्कार जी, नाम बताइए। मैं अनीता बोल रही हूँ उदयपुर से। अनीता जी पूछिए सवाल। मैम एक्चुअली क्या मेरे ये स्किन में प्रॉब्लम है, कुछ मतलब रैशेस टाइप हो जाते हैं, दाफर जैसे बोलते हैं, रेड रेड मोटे मोटे, और फिर ईचिंग होती है बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में। हाँ पूरी बॉडी में। और उम्र कितनी है आपकी? 49 जी। देखिए एक बड़ा अच्छा इलाज है स्किन के रैशेज, खुजली, एलर्जी, अगर आपको ये होती है तो देखिए ये जो कलौंजी हमारे किचन में है, इस कलौंजी का नमक आता है, इसे नमक कलौंजी कहते हैं। ये एक दो चुटकी लीजिए और एक गिलास पानी में मिलाइए और आप मिला के पी लिया करिए, दिन में एक बार काफ़ी है। वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो दो बार भी ले सकते हैं। देखिए चुटकी से कहते हैं, एक चुटकी में या दो चुटकी में जितना भी आए एक गिलास पानी में मिला के पी लीजिए। अच्छा ये नमकीन नहीं होता, देखने में नमक जैसा होता है जी, लेकिन नमकीन नहीं होता। इसका सब्जियों जैसा स्वाद होता है, जैसे कच्ची सब्जी खाते हैं या हैंडपम्प का पानी होता है ना थोड़ा खारा सा, ऐसा इसका स्वाद होता है। लेकिन ये बेहतरीन एक नमक है, कलौंजी का नमक, आप इसे इस्तेमाल करें, कुछ दिन आपको फायदा मुमकिन है। और इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, रूबी जी ने हमें कॉल किया है। रूबी जी स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सवाल। हकीम जी से बात करनी है। बिल्कुल हकीम साहब आपको सुन पा रहे हैं, सवाल कीजिए जी। बताइए रूबी क्या। अस्सलाम वालेकुम। सिर के बाल ना बहुत झड़ गए हैं और चांद भी दिखने लग गई है, गंजापन दिखाई देने लग गया है, उसके लिए कुछ बताओ। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? कितनी है आपकी? 45 है। 45। अच्छा रूबी देखिए इस वक्त जितनी भी डाई चल रही है या मेहंदी भी लोग लगाते हैं अपने बालों में, तो इनमें सब में केमिकल्स आ रहे हैं। अब मेहंदी प्योर नहीं मिलती, अगर मेहंदी लगाएं तो प्योर मेहंदी लें और ख़ुद पीसें फिर लगाएं, और ये डाइयाँ सब बाल गिरा देती हैं। तो एक तो इसकी एहतियात करें, और बालों के लिए एक नुस्खा भी है बड़ा अच्छा कि आपके बाल दोबारा से आ जाएं और खूब ग्रोथ करें, खूब घने हों, खूब लंबे हों, तो एक नारियल पानी रोज़ लीजिए और वो गिलास में कर लीजिए। इसमें आधा ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद मिला के रोज़ाना एक बार पी लिया करिए, आपके बाल खूब दराज, खूब लंबे, खूब घने होना मुमकिन है। अनिल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अपनी समस्या के साथ। अनिल जी पूछिए अपना सवाल। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी सुनील जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी एज 37 ईयर्स है जी, और मैं इस समय वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा चलन चल रहा है, तो क्या मैं जान सकता हूँ नींद पूरी ना होने पर तो व्यक्ति को क्या श्वसन जैसी या सांस जैसी समस्याएं हो सकती है? जैसे कि मेरे साथ परसों हुआ, सोते हुए अचानक से मेरे गर्दन में मतलब सांस आना रुक गया मुझे, और बहुत अच्छे से बिल्कुल सांस रुक गया, फिर मैंने बहुत मुश्किल से मुझे सांस लौट गया है। उम्र कितनी है आपकी? जी 37 ईयर। 37। हाँ देखिए नींद कम आने से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऐसा उन लोगों को हो जाता है जो लोग गुटखा खाते या जो खाना खाते हैं तो बगैर कुल्ला किए सो जाते हैं। दरअसल हमारी सांस की जो नली है गले में और भोजन की नली है, ये इनके सुराख में ज़रा सा ही फ़र्क है। तो कभी कभी हम बहुत गफलत की नींद सोते हैं तो हमारे मुंह में कोई ज़र्रा रह जाता है खाने का, तो वो सांस की नली में जाने से हमारा सांस रुक जाता है और ऐसा लगता है कि मौत आ गई, और ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो उसके लिए हर घर में हर शख्स को ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा अगर हो जाए तो जान कैसे बचाई जाए। तो देखिए
सीधा लिटा के पेशेंट को ऐसे सीधा लिटा के और ये हिस्सा सीने का ज़ोर से दबाया जाता है, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करके दबाया जाता है, या पीछे से ऐसे चिपट के और बहुत ज़ोर शोर से ऐसे मारें, या पेशेंट अगर अकेला हो तो ऐसे खांसी ले बार 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 खांसे और टहले जितना भी हो सके, तो बहुत जल्दी सांस वापस आ जाता है। ऐसे में हमारे घर वाले अगर होते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी से पानी लाते हैं कि पानी पी लो, पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ खाइए पीजिए मत, बल्कि ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके खांसी आप ठीक हो सकते हैं। आप अपने पूरे घर वालों को या जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, ये याद रखें कि हर घर में ऐसा होता है, और इसका निवारण अगर आपने नहीं समझा तो किसी दिन कोई हादसा हो सकता है। शिक्षा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पंचकुला से। शिक्षा जी क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मंगवाया था काला, वो मेरे को ना हाथों में थोड़ी सी एलर्जिक महसूस दे रही है, उससे ना पहले मेरे को सूंठ का पाउडर खाया था, अदरक का, उससे गर्मी हो गई थी बहुत, तो हाथ कट गए थे मेरे, सारे चीरे आ गए थे पहले। एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए, शुरुआती जो आपके अल्फाज थे वो हम सुन नहीं पाए, क्या समस्या हो गई है? मेरे पास ना मेरे ना ये दर्द है सारे शरीर में ना जी, मैंने आपसे काला गोंद मंगवाया जी, वो काला गोंद मैंने अभी शुरू करा है एक दो दिन, मेरे को हाथ में थोड़ी सी ना जख्म जैसा मलूम दिया, गर्म तो नहीं होता ये, कभी मेरे पहले कट पड़ गए थे एक बार। उम्र कितनी है आपकी? 66। कितना खाया था आपने? मामूली आपने चुपके बताया था जी, जैसे उससे भी कम। ठीक है, हाँ नहीं उससे नहीं हुआ होगा, अदरक शायद आपको नुकसान देती है, एक चुटकी अगर खाया था तो इससे कभी नुकसान नहीं होता, फिर भी अगर आप दोबारा से इस्तेमाल करें तो दूध के साथ इस्तेमाल करें, बगैर चर्बी के दूध से, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा और ये कभी ऐसा नुकसान नहीं देता, इसलिए मैं मात्रा बताता हूँ, और अगर ज़्यादा खाया हो तो फिर उतनी खुराक ना खाएं। एक पेशेंट ने एक चम्मच खा लिया था, तो एक चम्मच में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उनके खुजली उजली हुई, देखिए ये आधा ग्राम या उससे कम ही खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते अपनी मर्ज़ी से, एक चुटकी में आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं आता, तो आप इसे इस्तेमाल करें दूध के साथ, आपको फायदा मुमकिन है। एक और कॉलर है ओम पाल सिंह साहब, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, मेरठ से हमें कॉल कर रहे हैं जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी। जी आदाब ओम पाल जी। डॉक्टर साहब ये हमारी मिसिज को जो है जब ये सुबह उठती है ना, हेलो जी पूछिए, सुबह जब उठते हैं जी तो इनको पैर में जो है ना मतलब दस्त पेन होता है, पैर में पेन होता है? हाँ जी मतलब उठते हैं जब सकती है ना एकदम जी, तो उसमें पेन पेन होता है पैर में। उम्र कितनी है? पचपन साल। सुबह उठते हैं तो पैरों में दर्द होता है, 55 साल की उम्र है। और देखिए ये उम्र है दर्द होने की, कोई घबराने की बात नहीं, इस उम्र में किसी को भी शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है, तो एक तो देखिए ये इलाज है कि जो आप कोई पेन किलर लेते हैं और खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं ले सकते, इससे फिर दूसरे नुकसान होने लगते हैं, आपको चाहिए कि या तो गोंद स्याह मिल जाए, एक गोंद आता है काला गोंद, इसे गोंद स्याह कहते हैं, अगर ये असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम बगैर चर्बी के दूध से इन्हें खिलाएं, आप कुछ दिन खिलाएं, अगर 100 ग्राम भी मिल जाएगा, आपको असली वाला मिलना चाहिए, कड़वा बहुत होता है ये, तो आप इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे कि आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। रजनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुंबई से हमें कॉल किया है, रजनी जी क्या सवाल है आपका? मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है 25-23 साल से जी, लेकिन बहुत गर्दन में दर्द होती है, कंधों में पीछे बहुत दर्द होती है, और पिल्लो मैंने लेती 25-23 साल से, अगर कुछ थोड़ा बहुत स्पोर्ट चादर वगैरह रखती भी हूँ तो भी सुबह दर्द होती ही है और चक्कर भी बहुत आते हैं जी। हाँ देखिए जी, देखिए बहुत आसान इलाज है सर्वाइकल का, लेकिन आपको करना लगातार है, और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत सारी हैं जो मैं जानता हूँ, किसी ज़माने में खुद सर्वाइकल का रोगी रहा हूँ, तो इसलिए मैं
बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए हमें एक तो ये एक्सरसाइज करनी है, मोंढ़ा नहीं उठाना। कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं, ये मोंढ़ा उठा के कान मिला लेती हैं, ऐसा नहीं। मोंढ़ा ये आपका यहीं रहना चाहिए और ये कान उससे मुलाकात के लिए जाए, ऐसे रोज़ाना 2 मिनट करना है। 2 मिनट एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक मिनट करके 2 बार में कर लें। और एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 2 मिनट करना है। ये तो 2 मिनट मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब मुझे तकलीफ हुई थी तो मैं इससे ज़्यादा करता था। एक तो ये करना है, दूसरा ये गर्दन आपकी यहाँ से कोई उठाए और ऐसे उठाने की कोशिश करे आपको पीछे से, मेरी तरह आप बैठी रहें और उठाए नहीं तो ऐसे सीधे लेट जाएं और ये गर्दन पकड़ के कोई आपकी खींचे, खींचे नहीं बल्कि उसे एकदम बार बार खींचे ऐसे कि आपको खींचना चाह रहा हो। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और आप जैसे आज से करेंगे तो 10 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप करते रहें करते रहें, और बहुत दर्द हो तो आप कैप्सूल टी केयर रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाया करें। खाने के पश्चात आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद गुजार सकती हैं।